नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ उमराव के रास्ते कितने बढ़िया हो चुके हैं। ये सर्वेद मंदिर रास्ता आपको ले जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जैसे 4 लेंथ रास्ते बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और रास्ते कितने सुगम हो चुके हैं, कितने बढ़िया हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। एकदम जो रास्ते पर सिंगल जाने में दिक्कत हुआ करती थी, उन रास्तों पर अब देखिए कितना ये तेज़ी से कार्य हो चुका है। और पूरे रास्ते में 4 लेंथ रास्तों में फ्लैग लगाए गए हैं। और क्यों ना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारी यहाँ पर बहुत जोर से चल रही थी और तैयार रास्ता एकदम गजब बन के तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। स्टार्टिंग की गई है और गजब ही पूरा लग रहा है। ये सर्वेद महामंदिर, ये भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ देर पहले यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी गए, मैंने वो भी दिखाया आपको, देखिए। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा यहाँ फाउंटेन लगाया गया है। ये देखिए पूरा एकदम भव्य आयोजन किया गया है यहाँ। 25,000 कुंडली हाँ ये करवाया गया है, अभी आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। देखिए ये देखिए गाइस, आज इन्हीं का भव्य उद्घाटन किया गया है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज इतने सुंदर मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये भी आप देख सकते हो गाइस। ये सदानंद गुरुदेव महाराज जिनका आज भव्य उद्घाटन किया गया है। देखिए ये आपका चलने का रास्ता फर्स्ट फ्लोर का, आइए चलते हैं। वाह भाई, साइड हो जाइए, साइड भैया। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। देखिए ये नज़ारा है ऊपर से नीचे का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। इसी भव्य मंदिर का उद्घाटन करने में पीएम मोदी जी आए थे। पूरा मंदिर प्रांगण में दिखा रही हूँ किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और ये आज का दिन है 18 दिसंबर का, जो कि हमें मोदी जी आए और चले गए उद्घाटन करके। मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर दीवारों पर यहाँ पर प्रसंग लिखे गए हैं। ये देखिए पूरे ही दीवार प्रसंग लिखे गए हैं, ये देख सकते हैं आप सब। यहाँ पर जो पर्यटक आए थे वो हाथ से टच करके देख रहे थे कि वाकई सच्चाई है या कि वैसे बस ढांचा बना हुआ है, लेकिन वाकई में दोस्तों बहुत ही प्यारा है। मैंने इसका वीडियो फिर से बनाया है इस बार, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कितना ये बढ़िया बना हुआ है। एक बार तो आपको यहाँ पर आना चाहिए अपनी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है दोस्तों। ये देखते हम आ चुके हैं 4th फ्लोर पर, और देखिए यहाँ वाला काम अभी बाकी है। ये देख सकते हैं यहाँ बांस बल्ली लगी हुई है, क्योंकि इसको लगभग 20 साल से बनकर बन रहा है, पर अभी भी तैयारी पूरी नहीं हुई है, काम चल ही रहा है। ये देखिए वाह, लगता है राजस्थान पहुंच गए हम, गजब का इस तरह डिजाइन लग रहा है। जयपुर की पूरी तरीके से यहाँ बनाई गई है कलाकृतियाँ, वह गजब भाई। ये देखिए ओह, बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस। देखिए सारे वॉल्स पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेंटिंग सी गई है, और डिज़ाइन गजब 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 की गई है, देख सकते हैं आप। आप कहाँ से आए मैम, कहाँ से आए हो आप? मऊ से आए हो आप? मऊ प्रासन से। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए थे, यहाँ पर क्यों आए थे? घूमने के लिए आए थे। अच्छा लगा मंदिर आपको? हाँ अच्छा अच्छा रेयर, ठीक है। ये मऊ प्राशन से आई थी और दर्शन करने के लिए ऐसे घूमने फिरने आई थी। देखिए गाइस ये भी अभी कुछ काम होना बाकी है भाई, उधर वाले माले पर। ये देखिए देख सकते हैं, देखिए एकदम हम जा रहे हैं सबसे ऊपर।
सो गाइस ये पूरा 7 फ्लोर का बना हुआ है, देख सकते हैं आप, और हम जा रहे हैं 5वें फ्लोर पर। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, और ये तो बहुत ही गजब बनवाया गया है। यहाँ पर लोग फोटो सेल्फी खिंचवा रहे हैं, गजब लग रहा है। हाँ, एक कुछ लोगों से बात। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बहुत से अतिथिगण बाहर बाहर से आए हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हुए हैं? सौगात मिला बनारस को, इसके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? मंदिर तो खूब बढ़िया है गुरु जी। हाँ जी, दिल खुश हो गया। हाँ, दिल खुश हो गया देखकर। जी जी, महेश थोड़ा सा दीदी के मंदिर के पास थोड़ा सा। सर ये मंदिर प्रांगण बन के तैयार हो चुका है, इस पे आपको क्या कहना है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा बोलने यार क्या चाहते हैं, इतना खूबसूरत बना है तो और बोलने का लायक ही नहीं है। देखने का कुछ ऐसा बनवे नहीं करा कि देखने का कुछ बात है। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी सुने तो आके देखे, यहाँ जरूर आए एक बार पहुँचे। बस ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम ढालुआ दार बना हुआ है, कोई गिरे यहाँ से तो उसकी हड्डी मछली भी नहीं बचेगी। वही गजब ही लग रहा है ये तो, एकदम मतलब लग रहा है कि हम कहाँ आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है मुझे। यहाँ का सर्वेद महामंदिर है, ये हमारे वाराणसी शहर की बहुत सौगात मिली है। आज किया है पीएम ने यहाँ का उद्घाटन, जो काफ़ी टाइम से ये काम लोगों का 20 साल से काम लगभग चल रहा था, और अभी भी देखा आप लोगों ने बल्कि तो तैयार नहीं हुआ है, अभी काम यहाँ पर अधूरा है। तो मैं और बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ अपने इस वीडियो में आप सभी को। बस आपको ये करना है कि हम वीडियो को जैसे प्यार करना है, जैसे सपोर्ट करना है, ताकि हम ऐसे ही काम करते रहे और आपको मनोरंजन करते रहे, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए ये भव्य नज़ारा, यहाँ से फाउंटेन कितना भव्य है भाई साहब। ये पूरा अंदर वो दिखा रही हूँ किस तरह से काम हो रहा है। देखिए, और यहाँ पर 22 महानगर बसाए जाएंगे, जिनका नाम यहाँ के ऋषि मुनियों और नदियों के ऊपर रखा जाएगा। और यहाँ पर कुल 22 महानगर बसाए जाएंगे, जिनका नाम यहाँ के ऋषि मुनियों और यहाँ के नदियों पर रखा जाएगा। देखिए वहाँ पर महायोग सम्मेलन चल रहा है, वो देख सकते हैं आप कितनी जनसंख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और काफ़ी देर से कोने कोने से आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर टेंट सिटी बसाई गई है, पूरा यहाँ पर एक रहने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर रहेंगे और वहाँ पे करवाएंगे उस महायज्ञ को, जहाँ के 25,000 कुंड बनाए गए हैं, जहाँ ये पूरा महायज्ञ सम्मेलन चल रहा है। ये देखिए आप, रौनक देखने लायक है यहाँ की। गाइस कुछ लोग तो सभी मंदिर देखने के लिए आ रहे हैं, जगह तो करवा ही जाते हैं, मंदिर घूमने के लिए भी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, इसे मंदिर ही कहेंगे, ये ज्ञान का संप्रदाय का मंदिर है। ये देखिए, देखिए ये थोड़ा भूल भुलैया लग रहा है, रास्ता किधर से इनका कहीं और है और एग्जिट का कहीं से और रास्ता निकलने का है, पर गजब भाई साहब गजब है। देखिए यहाँ पर इतना ये प्यारा है ना कि यहाँ हर कोई वीडियो बना रहा है। गाइस ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा ये प्रांगण है, दीवारें किस तरह से बनाई गई है पूरे संगे मरमर से। ये देखिए वाओ, और पूरा ही जो भी आपको दिखता है लकड़ी का जितना काम हुआ है, घर सारे काम सागौन के लकड़ी से किया गया है। ये देख सकते हैं, मतलब पूरा A1 काम किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी हूँ, मैं पूरा आपको यहाँ से व्यू दिखा रही हूँ कि कैसा व्यू होने वाला है हमारे सर्वेद महामंदिर का। ये आप देख सकते हैं नज़ारा है सर्वेद महामंदिर। देखिए आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा घूमने फिरने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर जगह बनने वाला है। यह सर्वेद महामंदिर सबसे बड़ा पूरे हमारे बनारस का, हमारे भारत का मेडिटेशन सेंटर। अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, अब मैं चीज़ दिखा रही हूँ यहाँ पर कितने सारे टेंट सिटी लगाई गई है यहाँ पर रहने के लिए। जो लोग भी यज्ञ कराने के लिए आएंगे तो उनके रहने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देखिए इसका नाम दिया गया गौ सेवा नगर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा टेंट सिटी बसाई गई, लगभग यहाँ पर 200 टेंट सिटी बसाई गई है।
ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर साउंड से पूरा मंत्रोच्चारण चल रहा है और यहाँ पर यज्ञ हवन है। ये देखिए लोग डूबे हुए हैं अपने आस्था के साथ इस यज्ञ को करवाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर 25,000 यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं, 25,000 यहाँ पर कुंड बनाए गए, ये देख सकते हैं। मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ, ये आपका सर्ववेद मंदिर का नज़ारा है। ये देखिए लोग ध्यान ज्ञान में लगे हुए हैं और कितनी दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पर यहाँ तक आप भक्त ही भक्त दिखाई देंगे। पूरा ये लाखों करोड़ों यहाँ पर लोग आए होंगे, पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं इस महायज्ञ को कराने के लिए बहुत ही दूर दराज से। ये देखिए 8 पुरोहित आए हैं बाहर से वैदिक, जो कि वैदिक, ये देख सकते हैं आप, ये भव्य नज़ारा है।